Good morning, students. Today we will start chapter number 5, jo chapter the story of Robin Hood. तो ये रॉबिन हुड के बारे में एक स्टोरी है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में, शेरवुड नाम के जंगल में, रॉबिन हुड नाम का एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ. उसके माता पिता ने रॉबिन हुड को छुपा दिया था, उसे छुपा के रखते थे, क्योंकि जो वहाँ का प्रधान था तो वो बहुत ही लालची था और बहुत ही निर्दयी था, तो इसलिए उसने उसे छुपा दिया था. जो प्रधान था वो सबसे पैसे वसूलता था और जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो उन्हें जेल में डाल देता था. तो जब रॉबिन बड़ा हुआ, यानी कि 15 साल का हुआ, तो उसके फादर के पास, यानी कि जो उसके पिता थे, उसके पास पैसे नहीं थे. तो उसने क्या किया, उसने जो प्रधान था वहाँ का, उसने रॉबिन के फादर को जेल में डाल दिया, जिससे कि उसकी माता बहुत परेशान रहती थी. लेकिन रॉबिन ने कहा कि अपनी माँ से कि तुम परेशान ना हो, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ. तो रॉबिन उसी जंगल में एक जगह गए और वहाँ पर क्या किया उन्होंने कि जो अमीर लोग थे उनको उसने लूटना शुरू कर दिया और वो उन लूटे हुए पैसों से गरीबों की मदद करने लगा. इस तरह से वो जो गरीब आदमी थे वो रॉबिन से हमेशा खुश रहते थे और जो अमीर आदमी थे तो वो हमेशा रॉबिन से डरते रहते थे. एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो था वो रॉबिन के पास आया और कहने लगा, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है और मेरे बहुत तेज़ भूख लग रही है और जो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं उससे कुछ खरीद सकूं, क्योंकि उस वो जो पैसे थे, जितने भी रुपए थे, वो सब जो है किसने जो वहाँ के प्रधान थे उनके आदमियों ने छीन लिया. तो उसने कहा, ठीक है तुम रुको यहीं पर, मैं तुम्हें खाने के लिए भी देता हूँ और मैं कुछ करता हूँ. उसने क्या किया, उसने एक वहाँ पे जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और अपने आदमियों से, और उस गड्ढे के ऊपर सूखी पेड़ की पत्तियाँ और जो उनकी ब्रांचेस थी, जो डाले थी, टहनियाँ थी, उनको उस पर रख दिया ताकि जो प्रधान के जो आदमी थे वो इधर आए और उसमें गिर जाए, या वो आए प्रधान आए और वो उसमें गिर जाए, यानी कि जो उस शेरिफ नाम था उसका, तो वो वहाँ पर गिर जाए. तभी जो है क्या हुआ, और जो रॉबिन हुड था वो एक पेड़ के नीचे धनुष और बाढ़ लेकर के खड़ा हो गया था. कुछ देर के बाद शेरिफ के आदमी आते हुए दिखाई दिए और वो उसी गड्ढे में वहाँ पर उसके गड्ढे के पास आए. तो उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, चलो और मैं यहाँ पर एक हिरन का शिकार करते हैं और यहाँ पे रॉबिन हुड नहीं है तो मैं देखता हूँ कि वो कहाँ है और उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देंगे रॉबिन हुड को. फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उस गड्ढे में उनका पैर पड़ता है और वो सब उसी पे अंदर गिर जाते हैं. लेकिन जो शेरिफ होता है, शेरिफ जो व्यक्ति होता है, उसका घोड़ा उछल जाता है और उसके उछलने से एक उसके घोड़े में जो वो पहने होता है, घोड़े के ऊपर जो कवर होता है, तो उसमें बहुत ही छन से आवाज़ आती है. जब रॉबिन हुड उसको देखते हैं, उसको खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर पैसा है, तो वो सारे पैसों को निकाल लेता है और उस गरीब आदमी की उससे मदद करता है और जिससे एक आदमी जो जिससे लूटा हुआ पैसा जो था उसको भी वो वापस कर देता है. तो इस तरह से रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था. तो यहाँ पर इस तरह से हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. तो उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं. तो यहाँ पर बोर्न मीन्स पैदा होना या जन्म लेना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, प्रिजन मीन्स जेल, पुअर मीन्स गरीब, हंग्री मीन्स भूखा, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, ब्रांचेज मीन्स टहनियाँ, रॉब मीन्स लूटना, फियर मीन्स डरना, ऑलवेज मीन्स हमेशा, पेरेंट्स मीन्स माता पिता.
तो ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स थे। तो बच्चों आपको ये रॉबिन हुड की स्टोरी आपको समझ में आई हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।